स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 34 ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स 2023 लेवल ए बेसिक। तो बेसिक कोर्स तो बस नाम का ही चल रहा है, एक्चुअली हम लोग तो एडवांस चीजें सीख रहे हैं, राइट? आपने लास्ट 3 डेज में बहुत अच्छे अच्छे टेंसेस सीखे हैं जो कि हम लोग पैसिव के तौर पर बोलते आए हैं। आज हम ऐसा एक्सप्रेशन सीख रहे हैं ना पैसिव का जो हमें बहुत काम आएगा, सच में ये तो बहुत ही काम आएगा, राइट? आज हम सीखेंगे कि ऐसा काम किया जा रहा है, ये वाला काम, पर्टिकुलर काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन, राइट? आज है ना, इंपॉर्टेंट चीज है बीइंग बोलना। क्या बोलना बेटा? बीइंग। अभी दो तरह की चीजें होती है हमारे पास, एक है बीन और एक है बीइंग, राइट? तो काफी स्टूडेंट है ना साउंड प्रोनाउंस ठीक से नहीं करते, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीन और बीइंग। हमें बीन नहीं बोलना, हमें बोलना है बीइंग। क्या बोलना बेटा? बीइंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए मैं पहला एक्सप्रेशन लिख देता हूं। आज हम 3 एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला एक्सप्रेशन है कि ऐसा काम किया जा रहा है। क्या? ऐसा काम किया जा रहा है, मतलब ये काम किया जा रहा है, मतलब आपको पता चल रहा है ना, कंटिन्यू है ये काम, ऐसा काम किया जा रहा है, राइट? तो हम बोलेंगे दिस काम, दिस वर्क इज, या जो भी दलाए, इज बीइंग डन, राइट? इनमें से एक का सिलेक्शन आपको करना है, आप किसका करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, ये काम किया जा रहा है, जैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो हम बोलेंगे इंग्लिश इज बीइंग टॉट, सिंपल। रूम सजाया जा रहा है, रूम इज बीइंग डेकोरेटेड। किताब पढ़ी जा रही है, द बुक इज बीइंग रेड। दीवार को पेंट किया जा रहा है, द वॉल इज बीइंग पेंटेड। समझ में आ गया? गाड़ियों को धोया जा रहा है, द कार्स आर बीइंग वॉश्ड। समझ में आ गया? जैसे बसों को चलाया जा रहा है, बसेस आर बीइंग ड्राइवन। सच बोला जा रहा है, द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन। तो बीइंग बोलना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग जाएगा, बट क्या है ना कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो गई सो इट वुड बी इजियर, राइट? बहुत आसान हो जाएगा, आप आराम से कर पाओगी, राइट? चलो 2-3 सेंटेंस बोले, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी कि हमें सेंटेंस बोलने, नहीं नहीं प्रैक्टिस तो ऐसे करनी है, ये काम किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन, 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 सिंपल। खाना खाया जा रहा है, the food is being eaten, right? it's simple, you make just sound of this, right? lekin agar koi ye kehta hai ki bhai iske dwara ye kaam kiya ja raha hai mere dwara, to koi tension nahi lena, last mein uska naam bata dena, ye kiya ja raha hai by this person, is person ke dwara kiya ja raha hai. jaise sabjiyan bechi ja rahi hain sabji wale ke dwara, पहले बात करते हैं सब्जी बेची जा रही है या सब्जियां बेची जा रही हैं, तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। द वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय मी, अच्छा सब्जी वाले के द्वारा बेची जा रही हैं, तो द वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय द ग्रीन ग्रॉसर। फोन खरीदा जा रहा है, द फोन इज बीइंग परचेस्ड या बॉट, अच्छा तुम्हारे भाई के द्वारा खरीदा जा रहा है, The phone is being purchased by your brother. Simple. ऐसा किया जा रहा है, This काम is being done, right? जैसे, right? जैसे टेबल को तोड़ा जा रहा है, The table is being broken. मेरे पड़ोसियों के द्वारा, The table is being broken by my neighbors, right? Simple होगी, right? तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कॉमेंट में लिख दो सेंटेंस, see? Next. जरूरी नहीं है कि ये काम किया जा रहा हो सकता है कि ये काम नहीं किया जा रहा हो, तो कैसे बोलेंगे ध्यान से देखिएगा, तो हम बोलेंगे ये काम
नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, ये काम नहीं किया जा रहा है, राइट? कैसे बोलेंगे? दिस वर्क इज नॉट बीइंग डन, इज नॉट बीइंग डन, ये काम नहीं, लेटर नहीं लिखा जा रहा है, द लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, द लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, समझ में? जैसे गाना नहीं गाया जा रहा है, द सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग, समझ में आया? इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट, बच्चे को नहीं पीटा जा रहा है, द चाइल्ड इज नॉट बीइंग बीटन, रोटियां नहीं सेकी जा रही हैं, द चपातीज आर नॉट बीइंग बेक्ड, तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, दिस काम इज नॉट बीइंग डन, सिंपल, राइट? आपको थोड़ी देर क्या प्रैक्टिस करनी है, दिस काम इज नॉट बीइंग डन, 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 ऐसा नहीं किया जा रहा, ठीक है? चलिए, अगर किसी का नाम हो कि इसके द्वारा नहीं किया जा रहा, भैया रोटी मम्मी नहीं सेक रही, मम्मी के द्वारा रोटी नहीं सेकी जा रही है भाई, तो लास्ट में उस बंदे का हम लोग नाम लिख देंगे, बाय दिस पर्सन। मैं आपको काफी बार ये बात बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, हम पैसिव सिर्फ उसी कंडीशन में बोलेंगे जिस कंडीशन में डूअर गायब होगा, डूअर होगा ही नहीं। जैसे ये सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस, दीवार पर कुछ लिखा जा रहा है, अब कौन लिख रहा है वो ही गायब है, डूअर नहीं है, अब डूअर है ही नहीं, तो हम लोग जब डूअर नहीं है क्या बोलेंगे, पैसिव, दीवार पर कुछ लिखा जा रहा है, समथिंग इज बीइंग रिटन ऑन द वॉल, राइट? चलो, ऐसा नहीं किया जा रहा है, दिस काम इज नॉट बीइंग डन, वीडियो रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, द वीडियो इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, अच्छा मेरे द्वारा नहीं की जा रही रिकॉर्ड, ओहो, द वीडियो इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड बाय, अच्छा तुम्हारे द्वारा नहीं की जा रही है, ओहो, द वीडियो इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड बाय यू, समझ में? बहुत आसान है, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है बर्थडे सेलिब्रेट, बर्थडे इज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड, अच्छा मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा, ओहो, द बर्थडे इज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय मी, अच्छा बर्थडे हमारे द्वारा सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा, ओहो, द बर्थडे इज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस, तो इस तरीके से हमें इसका यूज है। अब एक और चीज, हमेशा हम लोग हाँ या ना नहीं करेंगे, कभी कभी कुछ परिस्थितियों में वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस, क्या ऐसा किया जा रहा है, क्या सड़क बनाई जा रही है, क्या वो बिल्डिंग गिराई जा रही है, क्या ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, क्या ऐसा किया जा रहा है, इस कंडीशन को भी देखते हैं और इस एक्सप्रेशन को भी बोलना सीखते हैं, राइट? कैसे बोलेंगे, क्या, क्या ऐसा किया जा रहा है, किया जा रहा है, क्या ऐसा किया जा रहा है, तो पूछेंगे इज दिस वर्क, इज ये काम बीइंग डन, बीइंग डन, क्या ऐसा काम किया जा रहा है, जैसे क्या रोड बनाई जा रही है, इज द रोड बीइंग कंस्ट्रक्टेड, टंग स्लिप हो जाती है, ठीक है, क्या इंग्लिश सिखाई जा रही है, इज इंग्लिश बीइंग टॉट, क्या लेटर लिखा जा रहा है, इज द लेटर बीइंग रिटन, क्या दीवार पर पेंट किया जा रहा है, इज द वॉल बीइंग पेंटेड, क्या त्योहार मनाया जा रहा है, इज द फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है गाइस, बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस ये है बात कि हम जो इस चीज को बोलेंगे पहले प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, देखो इज दिस काम बीइंग डन, 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 क्या चोर पकड़ा जा रहा है, इज द थीफ बीइंग कॉट, इज द थीफ बीइंग कॉट, हमें एक सॉन्ग बना लेना है, मतलब इसको इतना अच्छे से हमें सीखना है ना, इतने अच्छे से हमें बोलना है कि बस मजा आ जाए, राइट?
अगर किसी आदमी का नाम हो बाय दिस पर्सन, कि भाई इस आदमी के द्वारा ये काम किया जा रहा है, किसी का यहां पर नाम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जैसे जैसे क्या कार को बेचा जा रहा है, इज द कार बीइंग सोल्ड, क्या रमेश के द्वारा कार को बेचा जा रहा है, इज द कार बीइंग सोल्ड बाय रमेश, क्या तुम्हारे पापा के द्वारा कार को बेचा जा रहा है, इज द कार बीइंग सोल्ड बाय योर फादर, राइट। जैसे चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो द चैप्टर इज बीइंग टॉट, चैप्टर टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, द चैप्टर इज बीइंग टॉट बाय टीचर। मना कर दो, चैप्टर वैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा, चैप्टर इज नॉट बीइंग टॉट, चैप्टर स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है, द चैप्टर इज नॉट बीइंग टॉट बाय स्टूडेंट। अब क्वेश्चन पूछो, ओए क्या चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इज द चैप्टर बीइंग टॉट, क्या चैप्टर टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इज द चैप्टर बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो हमें ये सीखना है। अच्छा एक बात अभी आप लोग कमेंट में लिखो फटाफट, राइट इन द कमेंट सेक्शन एक एक एग्जाम्पल, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे इस एग्जाम्पल से जो आप लिखोगे उससे तो समझूंगा कि आपको समझ में आया नहीं आया था? आप कहो कॉन्सेप्ट समझा जा रहा है, द कॉन्सेप्ट इज बीइंग अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट समझा नहीं जा रहा, द कॉन्सेप्ट इज नॉट बीइंग अंडरस्टूड, क्या कॉन्सेप्ट सीखा जा रहा है, द कॉन्सेप्ट इज बीइंग लर्न्ड, राइट, ये आपके मर्जी है, राइट, समझ में आया। एंड व्हाट यू नीड टू डू नाउ, 30 एग्जाम्पल्स आपको बोलने की कोशिश करनी, कैसे देखो ऐसे, द चैप्टर इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, द लेटर इज रिटन बाय द लेटर इज बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स, एंड द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय द माय फ्रेंड्स, एंड द चपातीज आर बीइंग बेक्ड बाय माय मदर, ऐसे करके बोलो। और ये बाय वाले सेंटेंस आप मत बोलना, क्यों नहीं बोलना, अरे बाय वाला बोलने गया, जब पर्सन है डूअर है तो फिर हम एक्टिव बोलेंगे, हम पैसिव बोलेंगे, ये क्यों, आपको बस इतने इतने बोलने हैं यहाँ थर्ड फॉर्म वाले का, है ना, ऐसा काम किया जा रहा है, कार की रिपेयर की जा रही है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, क्योंकि इसको हम एक्टिव में नहीं बोल सकते, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू पैसिव सीरीज, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट, अगर सच में आ गया है तो राइट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, राइट। जल्दी से आप लोग कॉमेंट में लिखो और आपसे मिलता हूँ कल एक नए चैप्टर के साथ, और मजा आ रहा होगा, जरूर फीडबैक भी दे दिया करो, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन मेक मोर गुड वीडियोज लाइक दिस। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू सून।